हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ शानदार इडियम्स एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला वाला देखिए, वेट ब्लैंकेट। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रंग में भंग डालने वाला, जो काम को खराब कर दे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द अराइवल ऑफ प्रिंसिपल इन द क्लासरूम प्रूव्ड टू बी अ वेट ब्लैंकेट फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि प्रिंसिपल का आना क्लासरूम में, वो रंग में भंग डालने वाला साबित हुआ स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे होंगे, तो प्रिंसिपल का आना उनके लिए रंग में भंग डालने वाला था। नेक्स्ट देखिए, Once in a blue moon means कभी कभी, जो कभी कभार हो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई टेक कॉफ़ी वंस इन अ ब्लू मून। मैं जो है कॉफ़ी कभी कभी लेता हूँ, यानी वंस इन अ ब्लू मून लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिन, जो दिन बहुत महत्वपूर्ण हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री। नेक्स्ट देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने झगड़े की जड़। आइए तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। यानी कि जो संपत्ति थी परिवार की, वो दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ थी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको चाहिए इंग्लिश का खजाना, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। थैंक यू।